साल था 2004 जब मासू रेमोटो की बुक द हिडन मैसेज इन वाटर पब्लिश हुई, तब उस बुक ने पूरे रीडर्स को हिलाकर रख दिया। मासू रेमोटो ने अपनी बुक में यह बताया है कि जब वो पानी के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्हें पानी में कुछ चेंजेस देखने मिले। उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये अपने सामने रखा था कि जब वो पानी का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने वो पानी को बुरा भला बोलना स्टार्ट कर दिया, पर जैसे ही उन्होंने बुरा भला बोलना स्टार्ट कर दिया तो वो पानी का क्रिस्टलाइन फॉर्म काफ़ी हद तक चेंज हो चुका था। जैसे वो पानी का क्रिस्टलाइन फॉर्म असिमेट्री फॉर्म कर रहा था। और जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट दूसरे परफॉर्म किया, पर इस बार उन्होंने पानी को अच्छा बोला जैसे आई लव यू, तब पानी का क्रिस्टलाइन फॉर्म देखा तो मालूम पड़ा कि वो एकदम प्रॉपर और ब्यूटीफुल सिमेट्री में आया। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम पड़ता है कि पानी भी हमारे इमोशन और वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। पर क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में 60-70% पानी है, और अगर बात की जाए एक ऑर्गन की पर्टिकुलर तो ब्रेन और हार्ट में 73%, लंग्स में आता है 83%, स्किन में है 64%, मसल और किडनी में 79% और हड्डियों में है 31%। और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बच्चे के पहले महीने में उसका बॉडी का 3/4 वजन सिर्फ पानी का रहता है। अब आप सोचते रहेंगे कि ये पानी आपके बॉडी में किधर स्टोर रहता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये पानी अलग अलग फॉर्म में आपके बॉडी में स्टोर रहता है, जैसे ब्लड फ्लूइड्स सेल वॉल इत्यादि जैसे अनेक जगहों में रहता है। उनमें से 90% वाटर प्लाज्मा कैरी करता है, प्लाज्मा जो कि ब्लड से न्यूट्रिशन और हार्मोन को कैरी करने में मदद करता है आपके पूरे बॉडी में। चलिए अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर आप बहुत कम पानी पीना स्टार्ट कर दोगे। आपको डिहाइड्रेशन होने लगेगा, उनके सिम्टम्स है हेडेक्स, सिर दर्द। अगर आपका कंटिन्यूसली सिर दर्द हो रहा है तो वो एक कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन का। पर अगर आप पानी पीते हो तुरंत तो आपको आराम देखने मिलेगा। ब्रेन के केमिकल के इम्बेलेंस होने के चलते ही हमें सिर दर्द होता है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिहाइड्रेशन का। चलिए अब आते हैं सेकेंड सिम्टम पे, जो कि है टायर्डनेस, जिसे हम थकापन भी कहते हैं। अगर आपके बॉडी में फ्लूइड का इंटेक बहुत कम हो चुका है तो आपके बॉडी के सेल जो कि उस फ्लूइड को मदद करते हैं न्यूट्रिशन यहाँ से वहाँ सप्लाई करने में, पर वो फ्लूइड भी कम होने के कारण आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की सप्लाई बहुत स्लो हो चुकी है, उसके कारण आपको थकापन फील होता है। पर अगर आप पानी पीना स्टार्ट कर देते हो तो ये चीज जल्द से जल्द दूर हो जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि है ड्राई माउथ, जिसे हम कई बार मुंह सूख जाना भी कहते हैं। और ये सिम्टम सबसे कॉमन है, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में ये सिम्टम देखने मिला है। पर आप ये सोचने का भूल मत करना कि ये एक नॉर्मल चीज है। वेल, ये सिचुएशन वर्स से वर्स हो सकती है अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपके मुंह में बनने वाले सलाइवा, जिसे हम थूक भी कहते हैं, वो बनना बंद हो जाएगी और आप खाना नहीं निकल पाओगे और आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम होगे। वेल, बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना ये है कि हमें डेली 7-8 ग्लास पानी पीना चाहिए, और अगर देखा जाए तो हम हर दिन टॉयलेट और पसीने के जरिए 2-3 लीटर पानी गंवा देते हैं हमारे बॉडी से। और अगर आपको लगता रहे कि ये एक तरीका है पानी गंवाने का, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हम सांस लेने से भी आपके बॉडी के पानी के लेवल में चेंजेस देखने मिले। जी हाँ, अगर आप सांस लेते तो भी आपके बॉडी के पानी के लेवल में इफेक्ट आते। वेल, ये सब चीज़ें जरूरी है हमारी जिंदगी को चलाने के लिए। जब ब्रेन को पता चलता है कि आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम हो रही है, तो सेंसरी रिसेप्टर जो कि आपके ब्रेन की पार्ट हाइपोथैलेमस में होती है, वो एंटी डायरेटिक नाम का एक हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही ये हार्मोन किडनी के अंदर पहुंचता है तो वो स्पेशल टाइप का चैनल बनाना स्टार्ट कर देती है, और इस चैनल का नाम है एक्वापोरिन, जो कि ब्लड को मदद करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने में। इसी के कारण आपकी यूरिन डार्क कलर फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, और यही कारण है कि आपको कभी कभी डार्क येलो कलर की यूरिन होती है। वेल, ये सब होता है कि आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम होने के कारण ये सब होता है। आप डिहाइड्रेशन को इस चीज से कंपेयर कर सकते हो कि मानो कि आपके सामने दो ब्रेन है, एक जो कि नॉर्मल है और दूसरा जो कि डिहाइड्रेट है। तो दोनों ब्रेन को सेम काम दिया गया, पर जो डिहाइड्रेट था उसे ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी लगेगा उस काम को करने में। वेल, डिहाइड्रेशन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और एनर्जी को काफी हद तक कम कर देता है। पानी आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। जब भी आपके बॉडी में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होता है, जैसे एक्सरसाइज, जिम और खेलने जैसे अनेक चीज़ों में, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। पर यह एक गुड साइन है, ये पसीना निकलने के कारण ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है।
और ये क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस करना स्टार्ट कर देती है। अगर आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है तो डॉक्टर का रिकमेंडेशन ये है कि आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए नॉर्मल से। पानी आपके टिश्यूज, स्पाइनल कॉर्ड और जॉइंट्स को नरिश करने में मदद करता है, और पानी आपके जॉइंट्स को स्मूथ फोल्डिंग करने में मदद करता है, और आपको अर्थराइटिस जैसे डेंजरस बीमारी होने का चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कि पानी आपके वेट लॉस और वेट गेन की परेशानी को भी दूर कर सकता है। स्टडीज के अनुसार ये बताया गया है कि आपके बॉडी की फैट और वेट लॉस को कम किया जा सकता है अगर आप डाइटिंग और एक्सरसाइज के साथ ज़्यादा पानी पी रहे हो तो। पानी आपके ब्लड सर्कुलेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकता है? पानी आपके ब्लड सर्कुलेशन को कई हद तक इम्प्रूव कर सकता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब आप पानी पीते हो तो पानी अपने साथ कई सारे इंग्रेडिएंट कैरी करते हैं, उनमें से एक है ऑक्सीजन। जब पानी पीते हो तो आपका ब्लड वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ब्लड आपके पूरे बॉडी में फ्लो करते हैं, और वो ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन को प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं, और इसी के कारण आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। अगर पानी की बात की जाए तो उनके बेनिफिट एंडलेस है, और अगर बात की जाए साइंटिस्ट लोग की तो वो भी दूसरे प्लैनेट में पहला पानी ही तलाशते हैं, क्योंकि वाटर इज द लाइफ फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट्स।